हेलो फ्रेंड्स, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से नया और इंपॉर्टेंट नोटिस अपडेट आ गया है। और यह जो अपडेट है वो मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन 2020 को लेकर के है। और इसमें जो है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर वन टू कॉल कैंडिडेट्स फॉर रिपेयरिंग इन पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स MTS 2022 का एग्जाम लिख चुके हैं, उनका जो है पेपर वन का रिजल्ट आ चुका है और अब उनको अपीयर होना है पेपर टू के लिए जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। तो इसके बारे में मैं पूरी जानकारी क्योंकि करके बताता हूँ आप लोगों को क्या है। तो जो चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को, ताकि उनको भी ऐसी अपडेट मिल जाए इस मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन में क्या हुआ है और कैसे क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन पेपर उनका हुआ था मल्टीपल शिफ्ट में, वो आपका 5/10/2021 से 2/11/2021 तक वेरियस सेंटर्स ऑल ओवर द कंट्री में, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर तक में आपका एग्ज़ाम हुआ था ये MTS का एग्ज़ाम। और इसके बाद में यहाँ पे क्या कर रहा है ये देखता हूँ, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो CBE एग्जामिनेशन वाज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स हैव बीन नॉर्मलाइज्ड एज पर द फॉर्मूला। तो ये जो है फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पर सारा चीज़ कर दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर है द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन पेपर वन यूजिंग नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ द कैंडिडेट्स फर्दर सेपरेट एज ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज एंड स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ हैव बीन फिक्स्ड इन पेपर वन एज द वैकेंसी आर रिपोर्टेड अंडर 2 एज ग्रुप्स। तो यहाँ पे जो है ये सेपरेट कर दिया गया है जितना भी एग्जाम है उसको, और कट ऑफ भी जारी हो गया है इसमें। तो यहाँ पे जो है इसको 2 ग्रुप में बांटा गया है, एक है आपका 18 से 25 साल वाले और एक है 18 से 27 साल वाले। तो इस हिसाब से इस बार का जो फॉर्मूला है उसमें सर्च करने के बाद में नॉर्मलाइज स्कोर हो गया है यहाँ पे, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पे है जो सारी चीज़ें दिया गया है, नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वर रिक्वायर्ड टू गिवन प्रीफरेंस ऑफ स्टेट UTS ऑल इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो है जितने भी कैंडिडेट्स जो कि फॉर्म भरते समय में अपना स्टेट UT और जो था उसको अपना ऑर्डर के हिसाब से प्रायोरिटी दे दिए थे और उसका जो है कोड वो भी जारी हो गया था उसी समय में। तो आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो यहाँ पे अपना प्रीफरेंस डाल चुके हैं वो उस चीज़ को ध्यान रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर साफ साफ कहना है, यहाँ पे देखते हैं क्या, द कैंडिडेट सेलेक्टेड थ्रू दिस एग्जामिनेशन विल बी पोस्टेड इन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन वेरियस स्टेट्स UT। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू द गिवन प्रेफरेंस ऑफ स्टेट UT ऑल इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। कोड्स आर गिवन, प्रेफरेंस आर गिवन एट एनेक्चर 14। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो फॉर्म भरते समय में आप लोग जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफिस डाले थे जो स्टेट्स में, वहाँ पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा और जिसने जो स्टेट्स UT में डाले थे उसी के हिसाब से आप लोगों को ये जो सारे डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्रीज आपको मिलेंगे, इस प्रकार से यहाँ कहना है। और यहाँ पे है आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट्स कैन गिवन प्रेफरेंस फॉर ऑल द स्टेट्स UTs लिस्ट इन नेक्स्ट 14 और गिवन लिमिटेड प्रेफरेंस एज पर दर चॉइस। ये तो दिया गया, इफ़ ए कैंडिडेट विश टू ऑप्ट फॉर द लिमिटेड पोस्ट प्रेफरेंस देन ही सी हैज़ टू फिल नो चॉइस। तो यहाँ पे है अगर कोई किसी भी कैंडिडेट्स को अगर ऑप्शन होता है कि लिमिटेड प्रेफरेंस के लिए, तो वो यहाँ पे नो चॉइस का भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। और यहाँ पे देट इज एक्स इन द रिमेनिंग कॉलम्स, तो जिसमें आप लोगों को फिलअप करना है वहाँ पे आप लोग नो चॉइस लिखेंगे, बाद बाकी सब में आपको ऐसे क्रॉस वाला डाल करके पूरा भर लेना है, ये भी कहा गया है। और यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया गया है, GHC ऐसे करना है, उसके बाद में जितना भी होगा उसमें आपको क्रॉस कर देना, ये भी है। कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर्ड फॉर सिलेक्शन अगेंस्ट द वैकेंसीज ऑफ ओनली दोज स्टेट्स UTs फॉर विच दे हैव गिवन देयर प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। को तो कैंडिडेट्स को यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि वो जो स्टेट्स के हिसाब से ही उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ये भी कहना है। इफ़ ए कैंडिडेट्स हैव गिवन लिमिटेड प्रेफरेंस ही शैल बी कंसिडर्ड फॉर द वैकेंसीज ऑफ ओनली दोज स्टेट्स UTs फॉर विच ही सी हैज़ गिवन द प्रेफरेंस इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अगर कोई स्टूडेंट जो है, कैंडिडेट जो हैं, वो जो भी स्टेट्स या UT में डाल चुके हैं और बाद बाकी नहीं डाले हैं, तो उनको उसी जो स्टेट्स या UT में डाले हैं उसी में उनको प्रीफर किया जाएगा, यहाँ भी ये कहा गया है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, प्रेफरेंस ऑफ स्टेट UTs एक्सरसाइज्ड बाय द कैंडिडेट्स इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी ट्रीटेड एज फाइनल, नो चेंज इन द प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट ऑफ स्टेट्स UTs विल बी अलाउड लेटर अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो यहाँ पे जो भी पहले डाला जा चुका है ऑनलाइन के समय में उसको अब यहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा, ये भी कहना है। और द कैंडिडेट्स देयरफॉर मस्ट एक्सरसाइज ड्यू डिलीजेंस
एंड क्वेश्चन वाइल गिवन प्रेफरेंस और स्टेट्स यूटीज। तो यहाँ पे है जो आप फॉर्म भरते समय में जैसे किए हैं उस हिसाब से आपका स्टेट और यूटीज मिल जाएगा, ये भी यहाँ पे साफ साफ कहना है। अब यहाँ पे है थोड़ा सा क्या है उसको थोड़ा देखता हूँ मैं। तो हाउ एवर इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इन द ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाई द कैंडिडेट्स, फ्यू कैंडिडेट्स हैव नॉट गिवन देयर स्टेट प्रिफेरेंस एज पर द कोड्स गिवन। यहाँ पे कुछ कुछ कैंडिडेट्स जो हैं इस प्रकार के हैं जो कि वहाँ पे कोड नहीं डाले थे, तो यहाँ पर वो भी कहा गया देयर फॉर एज पर द प्रोविजन ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन द स्टेट प्रिफेरेंस विच आर नॉट इन कॉन्सर्न विद द कोड्स गिवन इन नेक्स्चर 14 हैव नॉट बीन कंसिडर्ड इन केस ए कैंडिडेट्स हैज गिवन प्रायोरिटी करेक्ट स्टेट प्रिफेरेंस दैट इज फ्यू कोड्स आर इनकरेक्ट एंड द रिमेनिंग आर करेक्ट ओनली दोज स्टेट कोड विच आर पर एनेक्चर 14 हैव बीन कंसिडर्ड फॉर एलोकेशन। तो यहाँ पे है बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि स्टेट्स को नहीं यहाँ पे प्रिफरेंस किए हैं, तो उनको जो है जो एनेक्स्चर के हिसाब से बताया गया है उन्हीं में से कोई एक अच्छा जगह पे दिया जाएगा, ये भी कहना है आयोग की ओर से। और फिर यहाँ पे अगला जो है वैकेंसीज ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी आर कंबाइंड देयर फॉर स्टेट प्रेफरेंस ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी हैव बीन कंसिडर्ड टुगेदर एंड ए सिंगल कट ऑफ हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। तो यहाँ पे पुडुचेरी और तमिलनाडु को एक ही कहा गया है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर कट ऑफ भी दोनों का मिला करके ही जारी हुआ है तमिलनाडु और पुडुचेरी वाले जो भी भरे हैं प्रेफरेंस में। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द पेपर वन फॉर अपेयरिंग इन पेपर टू एज फॉलो। तो यहाँ पे है पेपर वन में जो कैंडिडेट्स पास किए हैं वो शॉर्टलिस्ट किया गया है, उसको अब पेपर टू में सेलेक्ट होना है अपेयर होना है, तो उनके लिए यहाँ पे बताया गया किस प्रकार। तो कैटेगरी इधर आप देख सकते हैं EWS SC ST ESM OH HH OBC VH ऐसे है, और इनके जो अवेलेबल कैंडिडेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट्स जो हैं वो पेपर टू में शामिल होंगे। तो उनका जो कैटेगरी है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे EWS SC ST ESM OH HH OBC VH अदर PWD UR टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 14,680 कैंडिडेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप लोग यहाँ पे इसको सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है कैटेगरी वाइज द कैटेगरी वाइज एंड स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ डिटेल्स इन पेपर वन आर द फॉलोज। यहाँ पे देखिए पेपर वन में किस प्रकार से है ये कट ऑफ वो भी दिखाया गया है। तो कट ऑफ फॉर डिटेल्स फॉर वैकेंसीज इन द एज ग्रुप 18 से 25 वाले का नेक्स्ट वन है, और कट ऑफ जो है 18 से 27 वाले उनका नेक्स्ट टू है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार से है। और फिर यहाँ पर है द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन इन द केस हुएर मोर देन वन कैंडिडेट सिक्योर्ड इक्वल एग्रीगेट मार्क्स टाई हैज़ बीन रिजोल्व बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग मेथड्स वन आफ्टर अनदर इन द गिवन ऑर्डर टिल द टाई इज़ रिजोल्व। तो यहाँ पे है किस प्रकार से अगर दो कैंडिडेट्स का मार्क्स अगर बराबर होता तो उसको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, तो इसको यहाँ पे देखना है किस प्रकार से किया जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो कि पुराने जो कैंडिडेट्स होंगे उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा, साथ साथ अल्फ़ाबेट ऑर्डर में जो नाम रहता है उसमें अल्फ़ाबेट को भी दिया जाएगा, ये भी कहना है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 31 कैंडिडेट्स को डिवाइडेड किया गया है यहाँ कमीशन की ओर से जो कि एग्ज़ाम में अपियर हुए थे, तो उसका रिजल्ट को यहाँ पर प्रोसेस्ड नहीं किया गया है। 31st कैंडिडेट्स हैव नॉट बीन प्रोसेस्ड ये दिया है, उसका रोल नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 31 कैंडिडेट्स है उनको यहाँ पे डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर द शेड्यूल ऑफ पेपर टू डिस्क्रिप्टिव पेपर और MTS नॉन टेक्निकल एग्जामिनेशन 2020 विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन ड्यू कोर्सेज। तो इसका जो है एग्जाम का शेड्यूल आ जाएगा वो अवेलेबल हो जाएगा कुछ समय बाद में। द एडमिशन सर्टिफिकेट ऑफ द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑफ द कमीशन अबाउट अ वीक बिफोर द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे है जो कैंडिडेट्स पास किए हैं उसका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा रीजनल ऑफिस में भी जब उसका डेट का आ जाएगा एग्ज़ाम, उससे एक सप्ताह पहले ये एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा रीजनल ऑफिस में। तो आप लोग वहाँ पे जा करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाउएवर द कैंडिडेट्स हु आर अनेबल टू डाउनलोड देयर एडमिशन सर्टिफिकेट में कंटेक्ट द रीजनल ऑफिस कंसर्न इमिडिएटली। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योरिंग द डाउनलोड ऑफ द एडमिशन सर्टिफिकेट इज सोली ऑन द कैंडिडेट्स। तो यहाँ पे है जिसको अगर डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होता है तो उसको रीजनल ऑफिस में
इमिडिएटली मिलना होगा या उसके साथ में बात कर लेना होगा, तो उनको ये जो इशू होगा वो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी कहा गया है, अब यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट्स विद रिगार्ड टू द आंसर की हैव बिन केयरफुली एग्जामिन्ड एंड द आंसर की हैव बिन मॉडिफाइड वेर एवर नेसेसरी। द फाइनल आंसर की हैव बिन यूज्ड फॉर इवेल्यूएशन। फाइनल आंसर की विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन ऑन 14 मार्च। तो यहाँ पे है सारी चीज़ों को ध्यानपूर्वक किया गया है, उसके बाद में आपका आंसर की को जारी हो जाएगा आपका 14 मार्च को। यहाँ पे बताया गया है कि फाइनल आंसर की जो है वह 14 मार्च को जारी हो जाएगा, ये कहा गया है। मार्क्स ऑफ द क्वालिफाइड नॉन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इज 14 मार्च। दिस फैसिलिटी विल बी अवेलेबल फ्रॉम 14 मार्च टू 13 अप्रैल। कैंडिडेट्स मे चेक दियर इंडिविजुअल मार्क्स बाई यूजिंग दियर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड रजिस्टर्ड पासवर्ड एंड द क्लिक ऑन रिजल्ट मार्क्स टैब ऑन द कैंडिडेट डैशबोर्ड। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड में जा करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्टर्ड पासवर्ड डाल करके रिजल्ट मार्क्स सेक्शन में जा करके देख सकते हैं। और ये जो अवेलेबल सुविधा होगा वह 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक में रहेगा। तो आप लोग अपना जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम लिखे थे, क्वालिफाइड हैं या नॉन क्वालिफाइड हैं, वो दोनों भी देख सकते हैं यहाँ पे। आप लोग साथ ही साथ अंडर सेक्रेटरी 4 मार्च का यहाँ डेट देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ है उसको मैं आप बताता हूँ किस प्रकार से है थोड़ा सा। तो एनेक्स्टर वन में है कट ऑफ फॉर डिटेल्स फॉर वैकेंसीज इन द एज ग्रुप 18 से 25। 18 से 25 साल के लिए जो है एनेक्स्टर वन में कट ऑफ डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पे रीजन वाइज दिया गया है, स्टेट यूटी दिया हुआ, स्टेट यूटी कोड दिया हुआ, कैटेगरीज दिया हुआ और कट ऑफ मार्क्स भी दिया, साथ साथ डेट ऑफ बर्थ का भी बताया गया है। तो आप लोग यहाँ पर सारी चीज़ों को इस प्रकार से देख सकते हैं किस प्रकार से है। तो ये कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, ये 18 से 25 वाले एज वाला लोग का है, 18 से जिसका 25 साल के बीच में था उनका यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट टू में देखेंगे तो यहाँ पे कट ऑफ फॉर डिटेल्स ऑफ वैकेंसी इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 27। तो 18 से 27 वाले का यहाँ पे दिया गया रीजन यूटी, स्टेट यूटी कोड, कैटेगरी मार्क्स और कट ऑफ मार्क्स सारे चीज़ यहाँ पे दे दिया गया है। तो यहाँ पर भी आप लोग इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं किस प्रकार से कितना कट ऑफ गया है। MTS 2020 का जो एग्ज़ाम है उसका, तो यहाँ पर सारी चीज़ें इस प्रकार से बताया गया है। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको सारी चीज़ें मैंने बता दिया है। तो अब आप लोग यहाँ पर पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा उसका तैयारी करते रहिए, बहुत जल्दी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। आप लोग सारी चीज़ ध्यान में रखते हुए सारा किस चीज़ को करते रहिए। देखिए यहाँ पे MTS नॉन टेक्निकल स्टाफ कमीशन 2020 का जो है रिजल्ट जारी हो चुका है। अब उसको पेपर 2 में एग्जाम लेना है, तो इसलिए आप लोगों को है यहाँ पे पेपर 2 का तैयारी करते रहना है।